100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दूसरे के खेत में मजदूरी कर रही 23 वर्षीय गीता चौधरी जब परिजनों ने आकर सूचना दी कि उसे ग्रामीणों ने आपसी सहमति से ग्राम पंचायत का सरपंच चुन लिया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजनीति के दांव पेंच से अनजान गीता चौधरी ने कहा कि सरपंची करूंगी और उसके बाद समय मिला तो मजदूरी भी करूंगी। सर मगा तो मालूम नहीं रहा कि कैसे बने सरपंच, मेरी दूरी गांव वाला मिले बात ना करे और मगा बनाए सरपंच। जब गांव में जरूरत रहेगा तो गांव की करूंगा, जब गांव की जरूरत नहीं पड़ेगा तो अपना धाड़ की धंधा चालू रहेगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा हो चुके हैं जिनका चुनाव होना बाकी है, लेकिन उसके पहले खंडवा जिले की सिरपुर ग्राम पंचायत और ग्राम बावड़िया काजी के ग्रामीणों ने आपसी सहमति से अपना सरपंच चुन लिया। इस गांव से सरपंच पद हेतु एकमात्र फॉर्म गीता चौधरी का जमा किया गया जिससे वह चुनाव पूर्व ही सरपंच बन गई। अपने सरपंच बनने की खबर से बेखबर गीता चौधरी दूसरे के खेत में मजदूरी करने गई थी। जब उसे सरपंच बनाए जाने की सूचना मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सरपंच बनेगी। आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली गीता चौधरी का जन्म महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ। 7वीं तक पढ़ी गीता का विवाह खंडवा जिले के ग्राम सिरपुर निवासी सतीश चौधरी के साथ हुआ जिनके 2 बच्चे हैं। इनका पूरा परिवार खेतीहर मजदूर है। गीता के ससुर अपनी बहू को ग्राम की सरपंची मिलने से खुश है जिनका कहना है कि गांव वालों ने जो जिम्मेदारी दी उसका ईमानदारी से निर्वहन करते हुए गांव का विकास करेंगे। प्रजातंत्र की यही कि आज हमको चांस मिला और इसके बाद में जो हमारे गांव वाले उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, हमने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हम हरी बहु सरपंच बन जाएगी। क्या काम धंधा करते हैं आपके घर परिवार के लोग? सब मजदूरी वाले लोग हैं हम। आपकी बहू कहाँ गई है? मजदूरी गई है। खेतिहर मजदूर गीता चौधरी का निर्विरोध सरपंच बनना भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो महिला कल तक दूसरों के खेत में मजदूरी करती रही वह एकाएक 2 गांव वालों की सहमति से सरपंच बन गई। अब इस महिला का कहना है कि गांव वाले जो जिम्मेदारी देंगे वह तो पूरा करेगी ही, साथ ही वह धारकी भी करेगी, धारकी यानी कि मजदूरी भी करेगी। यही खूबसूरती हमारे देश के प्रजातंत्र की है कि कब कौन कहां किस पद पर काबिज हो जाए कहा नहीं जा सकता। अनंत महेश्वरी, खंडवा।